नैना देवी से कांग्रेसी विधायक रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि बिलासपुर जिले में लोक निर्माण विभाग का भाजपाईकरण किया जा चुका है और मुख्यमंत्री के प्रस्तावित नैना देवी दौरे के जो निमंत्रण पत्र विभाग द्वारा छापे गए हैं उनमें स्थानीय विधायक का नाम न होकर भाजपा के प्रवक्ता का नाम है, जो तर्कसंगत नहीं है। बिलासपुर में पत्रकारों से बात करते हुए नैना देवी से विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 20 फरवरी को नैना देवी क्षेत्र का दौरा करेंगे। रामलाल ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित नैना देवी दौरे के दौरान जो निमंत्रण पत्र विभाग द्वारा छापे गए हैं उसमें स्थानीय विधायक का नाम नहीं है और भाजपा के प्रवक्ता का नाम है, जो तर्कसंगत नहीं है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव को निकट देखकर इस तरह की कारगुजारी भाजपा द्वारा की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन सड़कों का उद्घाटन होना है वे कांग्रेस सरकार के समय की सड़कें हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी सड़कों की वन विभाग से स्वीकृति भी उन्होंने ही करवाई है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि ब्रह्मपुखर द्योथ जामली सड़क पर 14 करोड़ रुपए व्यय होने हैं, जो कांग्रेस कार्यकाल में स्वीकृत हो गए थे। साथ ही रामलाल ठाकुर ने कहा कि बस्सी पंचायत में जो सोलर एनर्जी प्लांट लगा है उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस निजी कंपनी द्वारा ये सोलर प्लांट लगाया जा रहा है उस कंपनी को ये कहा जा रहा है कि स्थानीय विधायक को ना बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन है जो सहन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसलिए वे इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। कल मेरे चुनाव क्षेत्र का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में उन स्कीमों के कार्यक्रम रखे गए हैं जो मौजूदा सरकार ने अपने लेवल पे कुछ भी नहीं किया है। अगर देखा जाए कि जो सड़क जिसके वो भूमि पूजन करने आ रहे हैं ये वो सड़क है जिससे जिसके लिए मैं पिछले कई वर्षों से जो है उसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में डालने के मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ये फैसला किया कि दिसंबर महीने तक जो है वो लास्ट स्कीमें जाएगी, उसके बाद जो है दिसंबर के बाद कोई भी स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नहीं पड़ेगी। मुझे ये कहना है क्योंकि हमने इसको डाल रखा था तो इसलिए क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि चुनाव के समय में स्कीम को बंद नहीं करना है तो हमारी ये पहली स्कीम जो मैंने दे रखी थी वो सैंक्शन होकर 14 करोड़ की आई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी उसने भी कुछ नहीं किया था और आज की सरकार ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि इन्होंने कोई भी DPR तैयार अपने समय में नहीं करी। ये सारे जो प्रयास हैं ये कांग्रेस पार्टी के और व्यक्तिगत मैं कहूँगा मैंने ये किए थे। यहाँ पे 33 KVA सब स्टेशन की बात है जुखाड़ा की, ये 33 KVA सब स्टेशन है, हमने जो है वो लोड की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए पिछली सरकार के टाइम में उसकी हमने जो है वो ये कार्यक्रम आगे चलाया और ये जो वर्किंग प्लान है उसमें हमने उसको डाला था और मुझे खुशी है कि वो वर्किंग प्लान जो है वो उसके मुताबिक इस साल में जो है वो 33 KVA का सब स्टेशन बनेगा। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।